आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरे देश में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिसका असर अस्पतालों की ओपीडी पर पड़ना लाजमी था। जूनियर डॉक्टरों ने पूरे दिन कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से ओपीडी में आने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। पूरे देश में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिसका असर अस्पतालों की ओपीडी पर पड़ा। जूनियर डॉक्टरों ने पूरे दिन कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से ओपीडी में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल रखी और अपनी मांगे न माने जाने तक आगे हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। एसएन मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के बाहर डॉक्टर इकट्ठा हुए, नीट की काउंसलिंग करवाने के लिए आवाज बुलंद की गई। पहली बात, ओपीडी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, उनका बहुत मेजर रोल होता है। पर्चे बनाना, पेशेंट को भर्ती करना, उनकी प्री ऑपरेटिव जो भी प्रोफाइल है सब वही करते हैं। बट उनकी एब्सेंस में हमारे जूनियर इंटर्न्स हैं, नॉन पीजीजीआर से उन्होंने बीड़ा उठाया अपने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट तब भी उनकी कमी हमेशा है और जो उनका रोल है वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और मांगे भी उनकी गलत नहीं हैं। जो भी अभी भी नीट की काउंसलिंग का कोई अता पता ही नहीं है, सरकार और जजेस फिर से बोल रहे हैं दे विल गो ऑन विंटर वैकेशन और उसके बाद में ही होगा काउंसलिंग। जूनियर डॉक्टर्स की मांग नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर है। नीट पीजी की परीक्षा जनवरी 2021 में और काउंसलिंग मई 2021 में होनी थी। जून में जूनियर डॉक्टर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पहले कोरोना और फिर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का मामला पहुंचने से नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग अब तक नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी 2022 को सुनवाई होनी है। इसमें भी निर्णय नहीं होता है तो काउंसलिंग मुश्किल में पड़ जाएगी। इसके विरोध में देश भर के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है। जैसे कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स हम लोग जानते हैं स्ट्राइक पे हैं, उनकी जायज़ बहुत वाजिब है और हम लोग भी उनका पूरा ऐसा फैकल्टी हम लोग भी उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जो जितने भी जूनियर रेजिडेंट होते हैं वो उसका पिलर्स होते हैं, उसी मेडिकल कॉलेज का उसी पर ही सब कुछ टिका होता है, वो वर्क हॉर्स है हमारे पूरे सिस्टम के। और तो उनके बिना मुश्किल तो है काम करने में, लेकिन हम सीनियर्स का फैकल्टी का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जो उनकी जो मांगे हैं बहुत जायज़ हैं और सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए और जल्दी निर्णय देना चाहिए ताकि पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और नया बैच हमारे पास आए। हालांकि हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया और जिस जगह पर समस्या आ रही है वहां पर सीनियर डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टरों की तैनाती कर दी है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने की वजह से काम धीमा हो रहा है और मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज इधर उधर भटकते नजर आए। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।